हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या शेख कुल्ली। माज़ अल-क़ौल या अज़ीज़ सुम्मा ख़बरुन सू ला तुख़ीबु या शेख अल-कायनात फ़ीहा लिकुल्ली मर्ज़िन दवा। नहनु मुताब या अज़ीज़ नहनु इला हाजते इला कस्ब लाएश। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम उन सारी ताकतों को हाजिर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। लेकिन लेकिन कोई लेकिन नहीं, लेकिन नहीं सुनना है हमें। कीमत बड़ी होगी जनाब। कोई कीमत बड़ी नहीं है हमारे लिए। हम गम में मरना नहीं चाहते। मरे आपके दुश्मन, आपको तो दुगनी उम्र और चौगनी जवानी नसीब होगी, यह हमारा वादा है। की काली रात थी, अपशगुन था या किस्मत का लिखा था पता नहीं, पर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था उस रात कि कुछ तो सही नहीं है। बलराज आप रुबेन, अरे बिजली आ गई है, अरे पंप चालू हो गया है, आजा फटाफट खेतों को पानी देते हैं। बस 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 आ गया। सुनिए ना, हुँ? आप मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? बस बस क्या, देखो पूरे 18 घंटे बाद बिजली आई, अब जाना तो पड़ेगा। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं, आप कल सुबह चले जाना। मैं घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम आराम करो, ठीक है? चल चल भाई, जल्दी भर लेते हैं। हाँ। और बेटा कैसा है? आजा।
अरे अरे कुछ तो बोलो, बलराज कहाँ है? अरे धर्म प्रवीण कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम सबको सांप थूक गया क्या? अरे अरे क्या हुआ? वो लोग बलराज को उठाकर लेकर गए। हम लोग जैसे तैसे भागे हैं। कौन लोग थे ना प्रवीण, कौन लोग थे वो? क्या हुआ बलराज भैया को? पता नहीं, उनके हाथों में तलवारें थी। बस वो बलराज को अपने साथ घसीट के ले गए। अरे ऐसे कैसे भैया को साथ ले गए? कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां लेके गए भैया को? वो दो लोग थे। चलो चलो उठाओ लाठियां, जरा दूर नहीं गए होगे। हाँ हाँ, सबको इकट्ठा करो और सबके हाथों में लाठियां दो। आज बलराज को लेके लौटेंगे। हम गांव वालों को समझ क्या रखा है सालों ने? चलो चलो चलो। बलराज 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 भैया, बलराज 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 भैया, बलराज भैया, बलराज बलराज। हमारी टीम जंगल में हर जगह ढूंढ रही। पहले आप पूरी बात बताइए, हुआ क्या? हम और हमारा बेटा विवेक और मेरा चचेरा भाई बलराज, हम खेतों में पानी देने जा रहे थे साहब। तभी अचानक हमने देखा कि तो वो दो लोग इस धर्म को पकड़ के रखे हुए थे। हाँ, घसीट कर खेतों की तरफ ले गए हमें। कहाँ से पकड़ कर लाए थे? आए कहाँ से थे बोलो? अब वो कहाँ से आए थे ये तो हमें नहीं पता। हम तो बस खाना खा के नत्थू की दुकान से पान खा के जहाँ पर हमारे टेम्पो लगे रहते हैं वहाँ से गुजर रहे थे। कौन है भाई? क्या चाहिए? हमें लगा डाकू है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ लेके जा रहे क्यों। डर के मारे जान निकली जा रही थी, तभी प्रवीण, उसका बेटा विवेक और बलराज वहां आ गए। और साहब हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था साहब, हम तो खेतों में पानी देने जा रहे थे क्योंकि बिजली रात को आई थी। Oh!
वो दूसरा बंदा भी पेड़ के पीछे चला गया साहब, फिर बहुत देर तक नहीं लौटा वो साहब, फिर हम लोग खुद को छुड़ाने में लग गए। कोई नहीं है बलराज, लगता बलराज को साथ में ले गए और वहां से जो भागे सीधे हमारे गांव में आके रुके और सबको बता दिया। हाँ साहब, अब मेरे बेटे बलराज की जान खतरे में। ये धर्म और प्रवीण बता रहे थे उन्होंने चेहरे पे कोई गमछा वमछा तो लपेटा नहीं था, कुछ अजीब से कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, उन्होंने ऐसे सर के ऊपर से ऐसे कुछ डाला हुआ था, सिर्फ ऐसे आंखें और नाक के यहाँ पर ऐसे छेद था। हाँ यादव सर, बलराज की लाश मिली है, सिर कटी। पांडे सर, बलराज कुशवाहा का सिर ढूंढो, यहीं कहीं हो सकता है। क्या हुआ बलराज, कहाँ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? लाश मिली है उसकी मीना, सर कटा हुआ है। कहाँ है वो प्रियंका, कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है कि पहले मार डाला फिर सर काटा गया। सीधा सर काटा गया, वो भी एक वार में। विक्टिम के साथ जो लोग थे उनका कहना है कि हमलावरों के पास तलवारें थी, उसी से काटा गया होगा। मिनिमम ब्लड बहा है बॉडी में। इंस्पेक्टर, ये एक भयानक किस्म का मर्डर है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो, सोडोमी के कोई निशान नहीं है।
बुखार सदमे के कारण है, पर जो दवाई है ये सोने में भी मदद करेगी। सर आधा जंगल छान कर देख लिया मगर बलराज कुशवाहा का सर कहीं नहीं मिला। कहीं खून के छींटे मिले? एक कतरा भी नहीं सर, वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जमीन कहीं से खुदी हुई मिली? शायद गाड़ दिया हो। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह चेक कर लिया। पांडे धड़ जहां मिला वहां से सर ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। बाकी का जंगल छान मारो अच्छी तरह से, बारीकी से। धर्म जब वो दो लोग तुम्हें घसीट कर लेके जा रहे थे, जहां तुम्हारी टेम्पो खड़ी थी वहां से लेकर खेतों तक, इस दौरान उन लोगों ने आपस में कोई बात की? कुछ सुना तुमने? हमने कुछ भी नहीं सुना, हमारा मुंह बांध रखा था, हम बहुत डरे हुए थे, बस उनसे भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दें। इरादा क्या था उनका? पहले तुम्हें खेतों में लेके, फिर तुम्हें छोड़ दिए, फिर बलराज को लेके गए और उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। अब उनका क्या इरादा था हम कैसे बता सकते हैं, हम तो बस घर से पान खाने के लिए निकले थे। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, कुछ बलात्कार? नहीं नहीं। देखो अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तो शर्म के मारे कुछ भी छुपाना मत। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, तो क्या बताएं? बस एक पेड़ के पीछे बैठाया। सिर्फ बैठाया? जी साहब, और बहुत देर तक हमें घूरता रहा। थोड़ी देर बैठाने के बाद वो हमें वापस ले आया साहब, फिर धर्म को ले गया, फिर धर्म को लुटाया और फिर बलराज को ले गया साहब। तुम तीनों के साथ ये गेम खेला और तुम्हारे बेटे विवेक के साथ कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हम तो बहुत घबरा गए थे साहब, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी कुछ। अभी जाकर आग लगी है लेकिन कुछ बोला नहीं। बच्चा है, डरा हुआ है, लेकिन प्रीति हमें से बात करनी होगी जब भी ये बात करने की हालत में आए। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा ऐसा नया क्या बोलेगा जो उसके बाबा ने नहीं बोला अब तक? अब बलराज क्यों, ये हमें कैसे मालूम साहब? प्रवीण दिमाग पर जोर दो, धर्म को टेम्पो के पास से उठा ले गए, तुम तीनों को भी रोके रखा, फिर बारी बारी तुम्हें धर्म को बलराज को पेड़ के पीछे लेकर गए, फिर सिर्फ बलराज को ले गए और उसका गला काटा। अब साहब ये तो वही जाने ना जिन्होंने गला काटा, साले एकदम भूत की तरह दिख रहे थे और एकदम चुप, मुंह से एक चू भी नहीं निकली उनके। एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, अगर उन्होंने हमें गलत समय में पकड़ा था तो क्या प्रवीण और बलराज को भी गलत समय में पकड़ा? इस पूरे वाकयात के दौरान उन दोनों में से किसी का फोन ऑन हुआ था? कोई घंटी बजी थी? नहीं, हमारे सामने तो नहीं। नहीं साहब, हमारे सामने तो कोई फोन नहीं बजा, ना ही उनकी किसी से फोन पे बात हुई। हाँ, धर्म ज्यादा समय था उनके साथ, शायद उसे मालूम हो। सब हमारे भाई बलराज की किसी से क्या दुश्मनी होगी, हम दोनों भाई छोटे किसान हैं, सब्जियां उगाते, हमारे बाबू कनकपुर में ठेला लगाते हैं, हम दोनों भाई कानपुर की सब्जी मंडी में अपनी उपज बेचते हैं, शारीरिक भाभी 6 महीने पेट से, हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी सर? शिवराज वो दो लोग लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे, क्योंकि ना तो किसी की जेब से कोई पैसा चुराया गया और ना ही मोबाइल फोन। अब कह रहे हैं कि खास हमारे भैया को ही मारने आए थे वो दोनों? लगता ऐसे ही रहा शिवराज। शालिनी भाभी को लगा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुम्हारी भाभी को ऐसा क्यों लगा? पता नहीं साहब, उन्होंने बलराज भैया को भी कहा था, हमारी बीवी प्रियंका से भी इस बात का जिक्र किया था। जब ये जा रहे थे तो हमारा जी घबरा रहा था, हमने कहा था इनसे मत जाइए, अजीब सा डर लग रहा है। प्रियंका, हमने कहा था इनसे। भाभी कुछ नहीं होगा, बस अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। शरणी जी, मैं जानता हूँ इस वक्त तो आप बात करने की हालत में नहीं, पर हमारे लिए जानना जरूरी है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके पति बलराज के साथ कुछ गलत होने वाला है? पता नहीं साहब, कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था और फिर इतनी काली रात। पर ऐसा लगने की वजह क्या थी? क्या बलराज ने आपसे कुछ कहा था? कुछ तो बोली, किसी और ने कुछ कहा हो या कुछ हुआ हो, कुछ भी? बस कुछ दिनों से अंदर से ऐसा लग रहा था और फिर मावस की रात मेरा डर सच निकला साहब। पर शालिनी, डर बेवजह तो नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। याद करिए, देखिए, ना सिर्फ आपने अपना पति खोया बल्कि आपका होने वाला बच्चा जब इस दुनिया में भी नहीं आया उसने अपने पिता को खो दिया। याद करिए, जहन पर जोर डालिए,
आपके डर की वजह क्या थी? सर, प्रवीण का बेटा विवेक अभी बात करने की हालत में नहीं है। बाल, बलराज की पत्नी शालिनी से बात करो, वो जरूर कुछ जानती है। शायद बलराज की जान को खतरा था, उसे डर था, उसने बलराज को उस रात खेत पर जाने से रोका भी था। सर, धर्म और प्रवीण दोनों को दोबारा बिठा कर पहले अलग अलग और फिर साथ में स्टेटमेंट्स लिए, मैच कर रहे हैं। लेकिन सर, एक बात अब भी खटक रही है, विवेक धर्म और प्रवीण को छोड़ दिया और सिर्फ बलराज को मार डाला। इस धर्म और प्रवीण के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो, ये सब कुछ एक साजिश के तहत भी हो सकता है। ये प्रवीण बलराज का चचेरा भाई, प्रवीण बलराज को खेतों में पानी देने के लिए लेकर जाता और फिर दो लोग धर्म को बंदी बनाकर वहीं लाते, धर्म को छोड़ देते हैं और बलराज को साथ में ले जाते और उसका कत्ल कर देते और बलराज के सर का अभी तक पता नहीं चल रहा है। अरे वाह, बड़ी टिप टॉप लग रही हो, तुम्हें हमारे आने की खबर किसने दी? तुझे क्या लगा जंगल में मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा? ये क्या बोल रही हो? गुरु भाई, सुपारी की कोई खबर ओवर तो नहीं है, लेकिन दो पंटर फजल खान, इमरान अंसारी पेपरों में मंडराते दिखे थे 3 अक्टूबर तक। हिस्ट्री है इनकी? काफी अच्छी हिस्ट्री है इलाहाबाद में, 1 मर्डर 2 हाफ मर्डर। लेकिन ये इलाहाबाद से पेपरों में क्या कर रहे थे? वो भी कई दिनों से तंबू गाड़े बैठे थे यहाँ, 4 अक्टूबर के बाद गायब हुए। 4 तारीख के बाद ये दोनों पेपरवा से कहाँ के लिए निकले? लॉज वाले को ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बोला कि 3 तारीख तक पेपरवा में ही थे। अब पेशेवर क्रिमिनल है साहब, और पेपरवा कोई छुट्टी मनाने में जगह तो है नहीं। धर्म और प्रवीण, इन दोनों के भी अंदर की कहानियां बाहर निकलवा। अब ये तो पक्का है कि इस बलराज कुशवाहा को मरवाया गया है। साहब, हमारा विवेक अभी भी बहुत डरा हुआ है। देखिए, अगर हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि विवेक को तकलीफ हो रही है, हम उसी वक्त बात करना बंद कर देंगे। हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है, आप लोग को देखते ही और डर जाएगा। साहब, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा गांव हमारे थाने के बाहर धरना देकर बैठा हो, वैसे भी बलराज कोई गैर नहीं था, आपके अपने परिवार का था, आपका अपना खून। और प्रीति जी, हम विवेक से बात आपके सामने ही करेंगे। वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, आपने उनकी आवाज सुनी, किसी का नाम लिया हो? उन लोगों ने ऐसे नकाब पहन रखे? बहुत बुरे लोग हैं, है ना? आपके बलराज चाचा को पकड़ कर ले गए, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस अंकल आ गए ना, अब हम इन्हें पकड़ेंगे और उनकी खूब धुलाई करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे इनको पकड़ने में? कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हो? कुछ भी जिससे हमें इनको पकड़ने में मदद मिले? विवेक, कुछ याद आ रहा है? आपको दिख नहीं रहा कितना घबरा गया है वो? वो लोग बलराज चाचा के लिए ही आए थे। आपको कैसे पता? हमें नहीं पता, बस हमें ऐसा लगा। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि जब वो बलराज चाचा को लेके गए थे तो हमें लगा कि वो उन्हें वापस नहीं लाएंगे। कुछ हुआ था उस वक्त? आपको ऐसा क्यों लगा? उन्होंने जब मेरा सिर पकड़ा था तो हल्के से पकड़ा था, और जब वो बाबा और धर्म चाचा को लेके गए थे तो उनको भी जोर से खींच के नहीं लेके गए थे। जब बलराज चाचा को पकड़ कर लेकर गए तो जोर से खींच के लेकर गए? काफी जोर से, इसलिए मुझे ऐसा लगा। और आपने उन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं सुनी? ना ही कोई फोन की आवाज, ना मैसेज की घंटी, कुछ भी?
हाँ हाँ, इमरान अंसारी और फजल खान के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मैं भिजवा देता हूँ आपके पास। पर उन दोनों को जेल से छूटे अभी 8 महीने हुए हैं, उनके किसी नए कांड के बारे में सुना नहीं अभी तक, आप ही से सुन रहा हूँ। जिस दिन यहाँ कनकपुर में वो बलराज कुशवाहा हत्याकांड हुआ, वो दोनों बगल के पेपरवा गाँव में ही मौजूद थे। फिर तो पूरे आसार हैं कि वे दोनों शामिल रहे होंगे, मैं उनके पिछले 8 महीने के मूवमेंट निकलवाता हूँ। कनकपुर पुलिस स्टेशन। सर ढूंढने में सर मत फोड़ो, कभी नहीं मिलेगा आपको। बलराज का सर? अब आप बिना मैडम मेरा सर खा रही हैं। जो बोलूं उस पर अमल करो, आप लोगों के सर का बोझ हल्का होगा। एक बार सामने आके बात तो कर, हम तुझे काफी हल्का कर देंगे। अब आप बिना मैडम आम खाने की बजाय पेड़ गिन रही हैं। वैसे किसी ने बताया आपको उस रात के बारे में? क्या नहीं बताया? यही कि बलराज का मरना तय था उसी सुबह से। चल ठीक है, नहीं बताया, तू बता दे क्या जानता है। पता कीजिए मैडम, क्या रोज रात को बलराज खेत में पानी डालने जाता है? क्या रोज रात को उसका चचेरा भाई प्रवीण उसी को बुलाने आता है? बलराज कोई तो पक्का जानता था कि वो रात बलराज की आखिरी रात होने वाली थी। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है, आप कल सुबह चले जाना। साहब जिसने भी ये खबर दी है सही बोल रहा है, हम लोगों से ये खबर छूट गई थी। उस बच्चे विवेक को भी यही लगा था कि दोनों हत्यारे सिर्फ बलराज के लिए वहां आए थे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इस शिवराज को उठा लीजिए, हो ना हो ये सब पहले से प्लान किया गया था और इसे सुबह से ही अंजाम दिया गया था। आपको किसी ने गलत खबर दी है? तो तू सही खबर दे दे, बता दे हमें कि उस कत्ल वाली रात को तेरी जगह पे बलराज क्यों था खेतों में, और ये बात हमें किसी ने बताई क्यों नहीं। हाँ ये बात सच है साहब, 3 तारीख को हमी ने बलराज भैया से कहा था कि कानपुर हम चले जाते हैं सब्जी लेकर। भैया आज हम चले जाएं क्या कानपुर मंडी में? कानपुर मंडी कुछ खास है क्या? कुछ चीजें लेनी है। कौन सी चीजें? एक जैकेट पसंद आई है और भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है, सोचा हम ही चले जाते हैं। तो हम जाएं भैया? जा चला जा। हमें मालूम था साहब कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया था, इसीलिए तो हमने बलराज को आवाज दी थी ना। और किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि ये बात हमें बताई जाए। खुद शिवराज ने हमें ये बात नहीं बताई कि रोज वो खेतों में पानी देता है। बस उस 3 अक्टूबर की अमावस की रात को शिवराज नहीं बलराज खेतों में जाता है और फसल की तरह उसकी गर्दन काट दी जाती है। और तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन शिवराज मंडी गया और बलराज घर बैठा है? किसान कभी कहां घर बैठ पाता है साहब, छोटा भाई मंडी गया तो बड़ा भाई पूरा दिन खेत में काम करता रहा। और ये बात बलराज ने ही हमें बताई थी कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया हुआ। अब पता नहीं आप लोग इस बात में कौन सी बड़ी साजिश ढूंढ रहे हैं। साजिश? साहब हम अपने बड़े भाई को मारने की साजिश क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। साहब बलराज हमारे सिर्फ बड़े भाई ही नहीं थे बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी थे, समझे आप? फिलहाल तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई बलराज की पत्नी तुम्हारी भाभी गर्भवती शालिनी को यह क्यों लगा कि उस रात बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है, और उधर प्रवीण के बेटे विवेक को यही लगा कि वो दोनों हत्यारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बलराज भैया के लिए आए थे। अब किसी को कोई भी बात यूं ही तो नहीं लगती, कोई ना कोई वजह होती है। कुछ होता है जो जहन में होता है सामने नहीं होता, जबान पे होता है पर हम बोलते नहीं। अब आपको एक बात बोले आप यकीन करेंगे? सच कहोगे तो यकीन अपने आप हो जाएगा, बोलो। उस रात हम जब कानपुर से लौट रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है साहब। क्या था? क्या था ये तो नहीं पता साहब, एक किस्म का मनु सपना समझे या जो भी आप बोलना चाहें आप बोलिए, एक अंदर से कुछ लगता है ऐसा साहब। क्या होने वाला था सब धुंधला था सपने में, लेकिन एक चेहरा दिखा साहब जिसके साथ ये गलत होने वाला था, और वो चेहरा बलराज का था। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना साहब? बोलते रहो। हमने सोचा साहब कि बलराज भाई को फोन करते हैं पर हमने नहीं किया,
सोचा कि पागल मत बन शिवराज, हो सकता है हमारे मन का वहम हो, कोई बुरा सपना हो। लेकिन अगर कहीं ये सब सच हो गया तो फिर हम स्टेशन उतर के साइकिल रिक्शा पकड़ के घर जा रहे थे, तब अरे अरे कुछ तो बोलो, बलराज कहाँ है? घर के बाहर भीड़ को देख के हमारा दिल बैठ गया साहब। हम बुरी तरह कांप गए थे कि हमारा वो सपना, वो वहम, वो सच हो गया है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन ऊपरी ताकतों ने तुझे, तुम्हारी भाभी को यह एहसास दिलाया कि बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है, वही ऊपरी ताकतें कल रात मेरे सपने में आई और बोली कि बलराज का कत्ल एक साजिश है। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है शिवराज। फिर आधी रात को जब मैं नींद में था तो दो नकाब पोश मेरे सपने में आए और इस बार उनके नकाब उतरे हुए थे और वो मेरे सामने थे और हमें पता चल गया कि वो दो नकाब पोश इमरान अंसारी, फजल खान। फिर ऊपरी ताकतें मुझसे बोली कि इन दोनों ने अजीब सी खोखो खेली तुम्हारे भाई बलराज, परवीन और उस धर्म के साथ, ताकि सबको यही लगे कुछ अजीब सी हरकत हुई। इन दोनों ने अपनी सुपारी को अंजाम दिया, तुम्हारे भाई का सर काटकर साथ ले गए, मकसद कामयाब। ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम सब ने मिलकर ये कांड रचा और बलराज का कत्ल कर दिया? साहब ये सब बकवास है। बलराज का सर काटकर कहां छुपाया तुम और क्यों? इंडियन करेंसी में उसे 25 लाख देने हैं। उसका नाम है अजीज बेग। सलाम, आइए आइए, अंदर आइए। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ। जी हाँ, वर्षा साहू। आप कौन? वर्षा साहू, तुम पिपरवा में रहती हो? जी हाँ, लेकिन आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पायल चौहान बोल रही हूँ, कनकपुर पुलिस स्टेशन से। अब तुरंत मना मत कर देना कि तुम बलराज कुशवाहा को नहीं जानती हो। क्या हुआ? जी हम जानते हैं बलराज को, मेरा मतलब जानते थे। रोज बातें होती थी तुम्हारी बलराज के साथ? जी। क्या बातें होती थी? फर्टिलाइजर के बारे में, जीएसटी के बारे में, या विराट कोहली की बैटिंग के बारे में? मैडम जान पहचान थी हमारी। रिश्ते में जान पहचान थी या जान पहचान से कोई रिश्ता था? मैडम ऐसा कोई रिश्ता वरिश्ता नहीं था हमारा। तो जो भी था पर्दे में क्यों था? बलराज की पत्नी शालिनी ने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, ऐसे कैसे? आप चाहती क्या है हमसे मैडम? हम चाहते हैं बलराज के कातिल तुरंत से तुरंत पकड़े जाए, और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा हमसे बात करना आमने सामने। ये वर्षा साहू पिपरवा में रहती है और पिपरवा में ही इमरान अंसारी और फजल खान डेरा डालकर बैठे हुए थे 3 अक्टूबर तक। और सर 3 अक्टूबर की रात को बलराज की पत्नी को बस लगा कि उसके पति के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। भाई शिवराज को भी यही लगा। वैसे शिवराज के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ निकला नहीं, और धर्म पुरोहित तो प्रवीण कुशवाहा, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में भी शक करने जैसा कुछ नहीं निकला। कहीं साजिश में शिवराज, धर्म और प्रवीण, इन तीनों की कोई मिलीभगत तो नहीं? हो सकता है सर इन तीनों के बीच फोन पे बात ही ना हुई हो, सब कुछ आमने सामने हुआ। एक काम करते हैं,
इस प्रवीण और धर्म पुरोहित से अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं। और वह अज्ञात कॉलर जिसने हमें खबर दी थी उस पर क्या लीड? हर दूसरे केस की तरह ट्रेस नहीं हो रहा है। आजा, कोई नहीं। देखिए साहब, बात सब हद है। पीड़ित बल्लाज कुशवाहा का चचेरा भाई प्रवीण कुशवाहा और धर्म पुरोहित दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया। हमारा इरादा था कि हम इन दोनों को और शिवराज कुशवाहा को साथ में इंटरोगेट करेंगे, उनके हलक में उंगलियां डालकर सच को निकाल लेंगे। पर कहीं और कुछ और लोग थे जो इस भयंकर कत्ल से काफी करीब से जुड़े थे, जिनके प्लान में कोई गड़बड़ हुई थी और बहुत जल्द इस गड़बड़ की भनक हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दोस्त, ये तो लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अबे फजल, जो भी लफड़ा तेरा, हमारा क्या लेना देना? यार इस अंदाज में तो बात नहीं किया करो लाला। और ये हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? बोल रहे हैं हम, सीरियस है, फंसे पड़े हैं, कुछ करना होगा। हाँ ठीक है, बोल। गुरु, कोई तगड़ी खबर सुना जो हमें शिवराज धर्म और प्रवीण का मुंह खुलवाने में मदद करे। सर, एक बड़ी बौखलाने वाली भयंकर सी खबर आई है। इस केस से जुड़ी? हाँ साहब, इसी मर्डर से जुड़ी हुई। वो सर जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला, उस कटे सर का क्या? शायद उस कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। क्या बात कर रहा गुरु? मैं यहाँ मदीनाबाग के गुफरान बाबा से मिला, मुझे लगता है साहब यहाँ कुछ और ही पक रहा है, या कहूँ तो कुछ और भी पक रहा है। शायद उस कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। क्या बात कर रहा गुरु? मैं यहाँ मदीनाबाग के गुफरान बाबा से मिला, मुझे लगता है साहब यहाँ कुछ और ही पक रहा है, या कहूँ तो कुछ और भी पक रहा है। मेरा दोस्त जावेद बोला कि आपने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। कनकपुर में कोई सरकटी लाश मिली है, बता रहा था। हाँ बाबा, आपके पास कोई जानकारी है उसके बारे में? कटा हुआ सर मिला? नहीं बाबा। सुन, लोहियागढ़ में एक तांत्रिक है रहीम मलिक, काला जादू करता है। 2 हफ्ते पहले मिलने आया था हमसे। उसे कटा हुआ सर चाहिए था। कटा सर? यानी कि उसे किसी का सर काटना था, मर्डर करना था? वो मुझे नहीं पता। तेरे लड़के जावेद ने बताया किसी बंदे का सर धड़ से कलम कर दिया और सर गायब है। तब मैंने 2 और 2 जोड़े। क्या उस काला जादू करने वाले रहीम मलिक ने मर्डर करवाया होगा? देख, मुझे और मत टटोल। मेरा काम था लिफाफा तुझ तक पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दिया। अब खोलकर चिट्ठी तुझे पढ़ना है। दूसरों की चिट्ठी मैं नहीं पढ़ता। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लग जाता हूँ मैं इस रहीम मलिक का ठिकाना पता लगाने में। लग जा गुरु, मुझे इस गुफरान बाबा से तुरंत बात करनी। चिट्ठी बिना खोले पढ़ ली इसने, कहीं ये चिट्ठी इसने खुद तो नहीं लिखी थी? भैया, आप हमेशा की तरह सही हैं, हम हमेशा की तरह गलत हैं। पर क्या भैया, आप सच में इतने दूध के धुले हैं? आपकी कमीज में कोई दाग नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, इसे घुमा फिरा के बात मत करो। पीपरवा, सुना है पीपरवा के बहुत चक्कर लगे? किसी वर्षा साहब से बहुत मिलना जुलना हो रहा है आपका?
कुछ बातें जो हमें बताई जानी चाहिए थी वो कुछ लोगों ने हमें नहीं बताई थी। शायद उसे छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा था, या ऐसा करने वालों को मालूम ही नहीं था कि जो बात वो हमें नहीं बता रहे हैं दरअसल वो इस केस के हल होने में अहम भूमिका निभा सकती है। पर क्या वाकई में कुछ लोगों को अंदरूनी आभास हुआ, या उन लोगों को पक्की जानकारी थी कि बलराज का कत्ल होने वाला है? इस कत्ल का मकसद क्या था? क्या यह काले जादू का केस था? क्या बलराज खुशवाहा के आसपास के किसी आदमी का काले जादू से कोई ताल्लुक था? बलराज को मारकर उसे क्या हासिल होने वाला था? आखिरकार इस केस में हुआ क्या? हमारे लिए यह केस बेहद पेचीदा साबित हुआ। हमें पता लगने वाला था कि इस भयंकर जुर्म में कई साथीदार थे और कई भागीदार भी, और उन सबके अलग अलग मकसद थे। कनकपुर गांव से हजारों मील दूर बैठे उस आदमी का बल्लाज कुशवाहा के कत्ल से क्या ताल्लुक? कल रात हम एक खौफनाक दुनिया में कदम रखेंगे। हमारी तहकीकात उन सभी संदिग्धों को सामने लाएगी जो इस केस से जुड़े थे। मिलते हैं कल रात। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.